हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, क्या खास है आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, यूनिट लिखा हुआ है और यहां पर टोटल किया गया। हम चाहते हैं चार्ट क्रिएट कराना, तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि चार्ट हमें एक सेल में क्रिएट कराना है। मतलब कि ये कीबोर्ड का पूरा चार्ट इस सेल में आ जाए, माउस का पूरा चार्ट इस सेल में आ जाए, ये कैसे होगा आइए समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले इस पर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सिंपली कर्सर को यहीं रखना है और कहाँ चले जाना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे आए और यहाँ से मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, ये देखेंगे आप चार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के चार्ट। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये आ जाता है और फिर हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। तो ये हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से और फिर नीचे आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये वाली रेंज अपने आप सेलेक्ट हो गई है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो देखेंगे चार्ट इसमें आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे स्पार्कलाइन कलर्स देना चाहें तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको ड्रैग कराऊंगा तो सब में अकॉर्डिंग टू डेटा चार्ट बन करके आ जाएगा। ये बहुत आसान है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।